हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। बच्चों, हम बीएससी पार्ट थर्ड के लेक्चर शुरू कर चुके हैं, जो कि पेपर फर्स्ट है आपका क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। इसमें हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो आपकी फर्स्ट यूनिट से है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करी थी, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करी थी। अब जो हम पिछले लेक्चर में जहाँ पर हमने छोड़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हमने पिछले लेक्चर में दो फैक्टर आपको पढ़ाए थे। अब हम तीसरा फैक्टर इसका डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि आवृत्ति का, जो प्रकाश हम आपतित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति का निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। निरोधी विभव हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वह विभव जहाँ पर जाकर प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो हो जाता है, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसका निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इसमें देखेंगे। इसमें देखते हैं तो बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द सैचुरेशन करंट हैव हायर बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन द सेम। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, पोटेंशियल लिया हुआ है, विभव लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर हमने धारा का मान लिया हुआ है। इनमें आपको तीन ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, तीनों ग्राफ क्या हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए हैं, अलग अलग प्रकाश की तीव्रता के लिए हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम तीव्रता का मान बढ़ाते जाते हैं, यानी कि X1 से X2, X2 से X3 उसका मान बढ़ाते जाते हैं, तो सैचुरेशन करंट यानी कि संतृप्त धारा का जो मान है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। X1 के लिए धारा का मान कुछ और है, X2 के लिए उससे ज़्यादा है, X3 के लिए कुछ ज़्यादा है, परंतु जो निरोधी विभव का मान है, V0 का मान है, वो तीनों ही आवृत्ति के लिए, प्रकाश की आवृत्ति के लिए क्या है, सेम है। यानी कि जैसे जैसे हम तीव्रता का मान बढ़ाते जाते हैं, सैचुरेशन करंट यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है धारा की वो तो बढ़ती जाती है, पर निरोधी विभव का मान सेम रहता है। नेक्स्ट है फोर्थ, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का निरोधी विभव पर प्रभाव। पहले हमने क्या देखा था, आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर आवृत्ति का प्रभाव देखना है, हमें तीव्रता जो है वो सेम रखनी है इस वाले ग्राफ में। इसमें हम क्या करेंगे, सेम एक्स एक्सिस पे आपका विभव का मान दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे धारा का मान दिया हुआ है, इसमें आप आवृत्ति बदलेंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता सेम रखेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि धारा का मान चाहे तुम कितनी भी आवृत्ति कर दो, धारा का मान तो वही रहता है जो कि वो बहती आ रही है, परंतु जैसे जैसे हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं, यानी कि ν1 से ν2, ν2 से ν3, आवृत्ति का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, निरोधी विभव की जो वैल्यू है यानी कि जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है उसका मान बढ़ता चला जाता है। ये यहाँ पर माइनस की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल कम हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, पर मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन इट इज सीन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन मेटल सरफेस इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें आप ग्राफ में जैसे ही देख सकते हैं, हमने जो पिछला ग्राफ देखा है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का प्रभाव दर्शाता है मेटल के साथ, जो कि निरोधी विभव के साथ दर्शाता है। न्यू जीरो क्या है यहाँ पर बच्चों, न्यू जीरो देखो, आप देख सकते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट मेटल के लिए, सेकंड मेटल के, थर्ड मेटल के लिए। यहाँ पर जो आवृत्ति है वो आपकी एक्स एक्सिस पे ली गई है। न्यू जीरो क्या है, एक मिनिमम आवृत्ति है जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं या फिर उत्सर्जित होते हैं। हर एक आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित तभी होते हैं जबकि एक मिनिमम आवृत्ति यानी कि न्यू जीरो एक मिनिमम आवृत्ति है, उस आवृत्ति का प्रकाश हम आपतित करें। द फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सरफेस। जो फ्रीक्वेंसी है, जिस कम से कम जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं या फिर उत्सर्जित होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हर एक आवृत्ति के हम प्रकाश डालेंगे तो उस पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे।
एक मिनिमम एक इसकी भी रेंज है कि इससे कम आवृत्ति का अगर आप प्रकाश डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ऐसे ही हमने क्या देखा था, निरोधी वो क्या होता है, आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए दिया गया न्यूनतम विभव V0 जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर दहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। नेक्स्ट आता है बच्चों लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के जो नियम है वो है। इस नियम में क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट देखा पीछे प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उसका पहला नियम हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि हम जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। दूसरा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा या फिर उनकी वेलोसिटी यानी कि उनका वेग बढ़ता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते हैं लाइट की वैसे वैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। तीसरा आता है नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन ए सर्टेन वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा है कि यदि हम किसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के प्रकाश को आपतित करेंगे, यानी कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश को यदि हम आपतित करेंगे तो किसी भी प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। चौथा होता है इट इज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, यह एक तात्क्षणिक फिनोमिना होता है, मीन्स जैसे ही हमने आपतित किया वैसे ही इमीडिएटली बिना कोई टाइम डिले के बिना कोई टाइम लगाए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का टाइम गैप नहीं होता। पांचवा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, ई इंटू वी जीरो। वी जीरो यहाँ पर क्या है, निरोधी विभव है और इलेक्ट्रॉन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर किसके बराबर होती है, ई इंटू वी जीरो के बराबर। नेक्स्ट आता है फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, आपकी चिरसम्मत जो थ्योरी थी वो कहाँ पर फेल हुई, जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट द फॉलोइंग थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए हम समझेंगे, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कौन से एस्पेक्ट्स जो थे वो क्लासिकल थ्योरी हमें नहीं समझा पाया वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे पहला है हमने क्या देखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो किस पर, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, वो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अनुसार गतिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, पर एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि तीव्रता पर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ पर फेल हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा आता है हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, फॉर ईच सरफेस, हर एक सरफेस के लिए देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन टेक प्लेस। एक हर एक मेटल के लिए एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी निश्चित होती है कि इस मेटल में इस फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे हम का प्रकाश आपतित करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। ऐसे हर एक फ्रीक्वेंसी पर एमिट नहीं होते, पर क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होता था, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन था, किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी का हम प्रकाश आपतित करें हर एक आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे। तो यहाँ पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। तीसरा आता है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इररेडिएशन ऑफ ए सरफेस, किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें जरा सा भी टाइम लैग नहीं होता, टाइम का गैप नहीं होता, थोड़ा सा भी
ये तात्क्षणिक प्रभाव होता है, हमने अभी देखा, पर क्लासिकल थ्योरी के अनुसार कुछ टाइम लगता है इस प्रकार के इफेक्ट होने में, तो यहाँ पर भी ये फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी जिसमें उसने प्लांक के द्वारा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था इसी का यूज किया। उसने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि एक मेटल की सरफेस आपको दे रखी है ये भी, उस पर एक एच न्यू प्रकाश का रेडिएशन, एक रेडिएशन आपतित होता है। ये रेडिएशन क्या है, फोटोन से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग फोटोन डिस्क्रीट है, जैसा कि हमने देखा क्लास क्वांटम मैकेनिक्स में कि प्रकाश जो है क्या है, डिस्क्रीट है, अलग अलग कई प्रकार के फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो इन प्रत्येक एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो उसने क्या दी, एच इंटू न्यू। एच यहाँ पर क्या है, प्लांक का कांस्टेंट है, और ये जो क्वांटा, ये अलग वो क्वांटा से मिलकर बना हुआ होता है जो रेडिएशन, क्वांटा ये क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, जब एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है जो कि एक मेटल के सरफेस पर जब आपतित किया कराया जाता है, इफ डब्ल्यू जीरो इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, अगर मेटल जो हमने ले रखा है उसका कार्य फलन W0 है, then a certain minimum energy of this energy, ये जो energy हमें photon जो energy लेकर आपतित हो रहा है, इस energy का एक छोटा सा भाग क्या करता है, जो electron metal के जो electron है उसके positive ion के साथ एक बंद बना के रखते हैं, उस बंद को तोड़ने के लिए एक energy की आवश्यकता होती है। जैसे ही एक photon आकर metal से टकराता है तो उस photon की कुछ energy जो होती है वो energy जो होती है वो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो बंद होता है उसको तोड़ने के काम में आ जाती है। ये क्या होती है, वर्क फंक्शन होती है या फिर कार्यफलन होती है मेटल का। और बची हुई जो एनर्जी है, यानी कि एच न्यू का फोटोन आ रहा था, डब्ल्यू जीरो हमारे किस में आ गई, उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में काम में आ गई। तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो जो बची हुई मैक्सिमम एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है, यानी कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं सरफेस से वो ये एनर्जी उन्हें मिल जाती है, यानी कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस डब्ल्यू जीरो, यानी कि जो फोटोन आपतित हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको निकलने के लिए कितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है। एम क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, एच न्यू जीरो। न्यू जीरो यहाँ पर दहली आवृत्ति है, यानी कि जिस मिनिमम आवृत्ति का प्रकाश हम आपतित करें और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डब्ल्यू जीरो की जगह एच न्यू जीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एच को आप बाहर ले लें तो न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब आप न्यू को अगर लैम्डा की फॉर्म में लिखें, तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में लिखें, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू की जगह अगर हम सी अपॉन लैम्डा लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी इंटू वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। हमने यहाँ पर क्या देखा, वर्क फंक्शन देखा, वर्क फंक्शन क्या है, डब्ल्यू जीरो इक्वल्स टू एच न्यू जीरो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एक न्यूनतम वह ऊर्जा जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। तो बच्चों ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट यानी कि कॉम्प्टन का प्रभाव। थैंक यू।